भवानी मंडी के पचपहाड़ रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर पति पत्नी की हत्या कर दी। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही नगर में सनसनी फैल गई, जहां दोनों पति पत्नी अस्पताल में दिखाने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जहां चाकू के हमले से महिला अनीता की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे शव को पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया। वहीं पति जीतू को गंभीर चोटें आने से प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान युवक की भी मौत हो गई। घटनाक्रम के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें हमने सूचना मिली थी कि जिस पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और महिला के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरे कस्बे में नाकाबंदी करवाई जा रही है। वहीं चिकित्सा कर्मी ने बताया कि महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। महिला के गले पर गंभीर घाव थे, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कल जो घटना हुई उसको लेकर के आप लोगों की अभी क्या क्या मांगे हैं? अभी जो कल जो घटना हुई थी उसके बाद से धरना अभी लगातार चल रहा है, और हमने जो प्रशासन के सामने मांग रख दी है कि जो मृतक जितेंद्र सिंह जी थे, उनकी जो पत्नी है सीमा कंवर, उनको सरकारी नौकरी दी जाए और 25-25 लाख रुपए का मुआवजा उनकी जो बच्चियां हैं तीन बालिका उनको दी जाए। और इसके अलावा और क्या क्या मांगे? जो अपराधी है बेरुलाल गुजर, उसकी जो अवैध संपत्तियां हैं, जो उसने अवैध कब्जे कर रखे हैं, सरकार उसको तुरंत प्रभाव से अपने कब्जे में ले और उसको कुर्क करे। उसने जो भी किया है सब अभी तक अवैध कब्जे के मकान और प्लॉट अवैध कब्जे के हैं उसके पास, उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। और जो पुलिस में लगे हुए हैं भवानी मंडी थाने में, निरंजन कुमार, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र गुजर, इन तीनों को बर्खास्त करें। एक जो जेलर है भवानी मंडी का, वो जेलर भी उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो अभी जो जेल में था उसको पूरी सुरक्षा दी गई, और राजनेताओं का भी, कुछ राजनेताओं का भी इसमें पूरा संरक्षण है। पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर वो भवानी मंडी थाने के अंदर बैठकर शराब पार्टियां करता था, इसके हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम ये दे सकते हैं। अगर इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड नहीं करते हैं तो पूरे पुलिस प्रशासन महकमे के खिलाफ हम विरोध करेंगे। अभी आपकी डेड बॉडी को लेकर के क्या बात हुई प्रशासन से? अभी प्रशासन ने डेड बॉडी के लिए बोला था, हमने उनको मना कर दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे। प्रशासन ने क्या कहा अभी आपसे? प्रशासन बात करने की बोल रहा है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही प्रशासन का जवाब आएगा हम लोग उनसे बात करेंगे, और जो हमारी जो मांगे हैं हम उन्हीं पे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मर्डर की सनसनी केस का मामला सामने आया है, दोहरा मर्डर, दोहरा मर्डर, किस तरह का पुलिस एंगल देख रही है? अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान में और जो सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, आज ये जो डिसीज्ड व्यक्ति है जितेंद्र, ये अपनी एक महिला के साथ में, इनका नाम अनीता है, उनको लेके सीला हॉस्पिटल में आए थे। वहाँ पर हॉस्पिटल में आने के पश्चात में कुछ लोगों ने इन पर हमला किया, जिसमें महिला की मृत्यु तो ऑन स्पॉट ही हो गई और दूसरे व्यक्ति जितेंद्र की दौरान इलाज झालावाड़ में मृत्यु हो गई। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और प्रारंभिक अब तक जाँच में जो आरोपी है उनके खिलाफ नामजद FIR मिली है, तीनों आरोपियों की पहचान हो गई है जी। उसी के साथ साथ इसमें अन्य लोगों ने भी अगर इनकी रेकी करने में या किसी भी तरीके से इनको असिस्टेंस प्रोवाइड की है, उस पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस की लगभग 10 से ज्यादा टीमें इसमें गठित हो गई है जी। जो अपने जिले में, बाकी राजस्थान के अन्य जिलों में और अपने सीमावर्ती जो MP के जिले हैं, जिसकी तरफ इनकी मूवमेंट होना अब तक नॉलेज में आ रहा है, सामने आ रहा है, वहां पर हमारी टीमें गई हुई है। मौके से जो टेक्निकल और फोरेंसिक साक्ष्य है वो उठा लिए गए हैं और सभी आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी है। मृतक जो जीतो उसने एक FIR भी दे रखी है कि मेरे साथ कभी जान से हमला हो सकता है, इस तरह का रिपोर्ट भी उसने पहले दी थी। इस तरह की कोई चीज तो मेरे संज्ञान में नहीं आई है, उसको चेक करा लेंगे। जो मृतक जीतू है और जो मुख्य आरोपी है भैरू गुजर, जिसका नाम आया है, दोनों ही पहले कई मुकदमों में केसवार है, दोनों ने साथ में कई अपराध किए हैं और दोनों का ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो मुख्य आरोपी है भैरू गुजर, वो सुनील थाने का हिस्ट्री सीटर है। साथ ही साथ अभी ये चीज अभी अनुसंधान में सामने आ रही है कि कालांतर में इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद हो गए, जिससे कि दोनों ही ये अलग अलग हो गए थे। और मृतक पिछले 2-2.5 साल से MP का जो लगता हुआ एरिया है वसुधा मंडी, वहां पर निवास कर रहा था, और आज इन महिला के साथ में यहाँ पर
हॉस्पिटल में आए हुए थे और तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सभी एंगल्स के अभी जांच कर रही है कि इसमें हत्या का मोटिव क्या था और इस हत्या को करने में कितने लोग इसमें शामिल थे। इसमें इस अपराध को कारित करने में जिन लोगों ने सहयोग किया होगा और उसी के साथ साथ अब अपराध होने के बाद में जो लोग फरार आरोपियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण देंगे या सहयोग देंगे उनके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।